मेरा ये अतीत राग जो स्टूडियो है इसको डेवलप करने का केवल मेरा एक बड़ा मकसद ये भी है कि मैं अतीत से लोगों को जोड़ूं और उनको ये बताऊं कि देखो ये था हमारा अतीत। हाय गाइस, आज का मेरा ये व्लॉग बेहद ही खास है क्योंकि आज मैं आपको अतीत में लेकर के जाऊंगा, अतीत यानी कि पास्ट में। क्यों चौंक गए आप? आज मैं आपको विनय शर्मा जी से मिलवाऊंगा। विनय शर्मा जी ना केवल एक बेहतरीन पेंटर हैं, बल्कि वो एक प्रिंट मेकर और इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट भी हैं। इसके साथ साथ इनके पास एक एंटीक्स का जबरदस्त कलेक्शन है। मैं जब भी इनसे मिलता हूँ मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ और मुझे उम्मीद है कि मेरा ये व्लॉग देखने के बाद आप भी इंस्पायर होंगे। जब छोटा था मैं हर ऑब्जेक्ट को उस ऑब्जेक्ट की उपयोगिता के हिसाब से नहीं देखा करता था। मैं उसमें जो कलात्मक उसके जो रूप होते थे ना, जैसे गिलास है, अब गिलास में जो नक्काशी, उस समय हर गिलास में कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई नक्काशी, कोई ना कोई इस तरह की डिज़ाइन होती थी जो आपको आकर्षित करती थी। आप ढूंगले देखो, गांव में जो ढूंगले बनते थे वो बड़े रिदमिक होते थे, बहुत ही लयात्मक ढूंगले जो बर्तन होते थे पेपर मैसी के बनाते थे, तो उसकी प्रक्रिया में वो इसी समय जानने की कोशिश करता था। नानी बनाया करती थी तो मैं उनको देखता रहता था। ऐसे ही मैं कहीं भी जाता, जैसे चाकले या गाड़ी सगड़ में देखता या पुरानी जो भी चीज़ें थी, ये जो भी कोई पुरानी चीज़, मैं उसमें लयात्मकता देखता था कि इसमें कहाँ से कौन सी ऐसी चीज़ है जो आर्टिस्टिक है, जो मुझे वो करती थी। मैं रेडियो की बात बताऊँ आपको, छोटा ही रहूँगा जब खलियानों में सोते थे गांव में, खलियान गर्मियों में हम खलियानों में सोते थे और कहीं दूर से ऐसी आवाज़ आती थी, मीठी मधुर आवाज़, तो मुझे ये लगता था कि मैं उसके पास चला जाऊँ। पर चूँकि उस समय की परिस्थितियाँ थी, हमारे पास रेडियो और इस तरह की चीज़ें थी नहीं, तो मन में एक जिज्ञासा थी अगर मेरे पास रेडियो होना चाहिए, मेरे पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ऐसे करते करते कोई ऐसी चीज़ मुझे मिल जाती तो उसको लाके मैं लाल छोट मेरे गांव में कहीं भी कोने में लाके डाल देता था। पुरानी कई चीज़ें हैं ऐसी जिनको मैंने बचपन में इकट्ठी करके गांव के, वो मेरे एक बुखारी जैसी थी, उस बुखारी में लाके डाल दिया। मुझे पता नहीं था कि इनका क्या होगा, मुझे ये नहीं था कि इसका कोई मैं कोई संग्रह करूँगा या इसका कुछ होगा, बस उनको लाके मेरा एक लगाव था उनसे तो मैं डालता गया। ऐसे होते होते ये सारी चीज़ें हो गई। पहला रेडियो तो मेरा मौसी जी के यहाँ से लेके आया था, मुझे अच्छी तरह याद है, वो बहुत खूबसूरत रेडियो था छोटा। फिर ये सिलसिला शुरू हो गया। फिर आज मैंने कोई ऐसे बिल्कुल गिनती तो की नहीं, पर 250 से ऊपर है, 250 से ऊपर ये रेडियो। उसके बाद पहला रेडियो कब खरीदा आपने, मतलब जो एंटीक रेडियो था? नहीं, मैंने रेडियो खरीदे नहीं, पिताजी के गुरुजी थे माठ साहब लाल छोट में, उनकी रेडियो सुधारने की दुकान थी, तो उनके बहुत सारे रेडियो आते थे और कुछ रेडियो ऐसे होते थे जो कोई लेके नहीं जाता था, तो मेरी चूँकि रुचि थी उनमें तो वो रेडियो वो मुझे दे देते थे। अधिकांश रेडियो मैंने खरीदे भी हैं, पर अधिकांश रेडियो लोगों ने मुझे दिए हैं। किसी के घर गया, उसने कहा कि हमारे लिए तो कोई काम का है नहीं। अच्छा, मैं कहीं भी जाता था तो मुझे किसी के भी घर में ऐसी चीज़ें नज़र आती थी, मतलब वो आपको है ना, जहाँ जैसी राह आपकी चाह होती है वो फिर रास्ता अपने आप मिल जाता है। पर मेरी एक और वो रही कि जब भी मैंने कोई चीज़ चाही, जब भी मैंने किसी चीज़ को मन में सोचा कि ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए, तो वो चीज़ किसी न किसी रूप में, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कोई भी माध्यम बना, वो चीज़ मेरे पास आ गई। तो ये कोई ईश्वर का एक ऐसा प्रसाद है, ऐसा एक आशीर्वाद है, अगर मैं जो भी चाहता हूँ, जो भी चीज़ मैं चाहता हूँ, जिसकी मैं कामना करता हूँ, हर चीज़ मैं ऐसे ही नहीं लेता हूँ। हर चीज़ का कोई इतिहास होता है, हर चीज़ तपी हुई चीज़ है, ये अपनी दास्तान सुनाती है, ये मुझे जीवंत लगती है। जितनी भी चीज़ें मैं लगता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब जिंदा चीज़ें हैं, ये मुझसे बात करेंगी। और उनको लाके मैं कम से कम 2-4 दिन तक, जब तक उनके साथ बैठ नहीं लेता हूँ, उनसे अपना आत्मसात नहीं कर लेता हूँ, उनसे मेरा जुड़ाव नहीं हो जाता है, जब तक मैं उसको कहीं रखता नहीं हूँ, वो लाकर यहाँ बीच में मैं कहीं भी रख देता हूँ और फिर उसके साथ रोज़ संवाद होता रहता है। और जब मुझे पता लग जाता है कि इसने जीवन को, इसने मनुष्य को इतना बड़ा योगदान दिया है, तो क्यों नहीं मैं भी उसका सम्मान करूं और एक
अच्छी जो उसका स्थान है उस स्थान पे उसको रखूं। एक बार बड़ा अजीब सा वाक्य हुआ, हमारे एक फाइन आर्ट्स के लेक्चरर हैं, उन्होंने मुझे कुछ तलवारें भेंट की, उन तलवारों को मैं यहाँ लेके आ गया। मैं आपको एक वो बताता हूँ किस तरह का माहौल क्रिएट होता है उसका। तलवारें जब लाके मैंने नीचे रखी तो जैसे सुन्न हो गया वो पूरा स्टूडियो, सब डर गए हों, सारी चीज़ें ऐसा है कि ये क्यों ले आए, जैसे मुझे मारेंगी। कुछ दिन मैंने उनको रखा, तो रखने के बाद उनमें आपस में मेल मिलाप हुआ, तो जो चीज़ें पहले डरती थी उन्होंने कहा कि ये तो हमारी रक्षा के लिए है, हमें इससे डर क्यों। तो इस तरह की जो एक भावनात्मक एक कल्पनात्मक इनके प्रति जो सम्मान है, इनके प्रति जो मेरा अनुराग है, वो धीरे धीरे ऐसे ही आगे बढ़ता गया और मैं ये चीज़ें इकट्ठी करता गया। तो मेरे हिसाब से 30 से लेकर और 75 तक के 1975 तक के रेडियो मेरे पास है, इनका नंबर करीब 250 के आसपास, करीब 250 के करीब है। और ये पुराना रेडियो इसमें मार्कोनी, ये इसका HMV का है एक, तो मुझे लगता है वो 35 से 40 के बीच था। वो मास्टर जी के यहाँ से जो लाल चोट में जिनकी दुकानें थी ना, तो वहाँ वो बताते थे कि रेडियो पहला रेडियो आया था इस गांव में, और बीच चौराहे पर रखते थे। एक रेडियो 200 आदमियों को एक जगह इकट्ठा कर देता था। चाय की दवातें हैं मेरे पास, 350-400 दवातें पीतल की उस समय की, वो तो करीब 100-150-200 साल पुरानी भी हो सकती है उनमें कुछ दवातें, क्योंकि टाइम पीरियड का मुझे अंदाजा है नहीं उसमें। वो तो स्टाम्प पेपर है मेरे पास करीब 3000 जयपुर स्टेट के, तो वो ऐसे रेयर हैं, हर साल का एक एक स्टाम्प पेपर, मतलब आप हर साल की कैलीग्राफी लिखावट 100 साल तक आप देख सकते हैं किस तरह से हर साल परिवर्तन हुआ। काम में जो चीज़ें आती थी उस समय, जितनी भी चीज़ें, वो सारी मेरे संग्रह में हैं। घड़ियाँ हुई, अजीब सी आवाज़ करती थी, पता होता था कि समय चल रहा है। आजकल तो समय रुका हुआ सा लगता है, कभी झटके में चलता है फिर रुक जाता है। उस समय आपको निरंतर पता होता था कब ये बज रहा है, ये बज रहा है। घड़ी भी करीब 125 साल पुरानी, 125 साल है जो मेरे पास है, 1900 के आसपास, 1890 की। मैं चीज़ों को कभी उनकी उम्र के हिसाब से नहीं खरीदता, मैं तो उसमें लय देखता हूँ, रिदम देखता हूँ, मेरी आर्ट देखता हूँ, और मेरी आर्ट में कहाँ कैसे वो समावेशित हो सकती है ना, मिल सकती है, उसका प्रयास करता हूँ। मेरा ये अतीत राग जो स्टूडियो है, इसको डेवलप करने का केवल मेरा एक बड़ा मकसद ये भी है कि मैं अतीत से लोगों को जोड़ूँ और उनको ये बताऊँ कि देखो ये था हमारा अतीत। आज आप लग्जरी कारों में घूमकर खुश होने का प्रयास करते हो, पर उसमें वो खुशी नहीं है जो उस समय एक कलात्मक गिलास में पानी पीने का होता था। तो वो सारी चीज़ें हम भूलते जा रहे हैं। तो मेरा जो युवा, खासकर जो नई पीढ़ी है, उस नई पीढ़ी को बस हमारी लयात्मक अतीत से अवगत कराने का मेरा काम है। और ये ग्रामोफोन, ये सबसे बड़ा ग्रामोफोन है, मतलब इससे बड़े ग्रामोफोन नहीं होते थे। इसका जो भोंपू है ना, ये इतना बड़ा कहीं नहीं आता, इससे आधे होते हैं बाकी, तो ये रेयर है। ग्रामोफोन भी लगभग 15-20 होंगे, कुछ तो ये हैं जो ओपन, उसमें कुछ बंद पेटी में जो आते थे वो हैं, तो इस तरह करके 10-15। ये कैमरा मेरे पास सबसे पुराना 1870 का है, पिन होल कैमरे हुआ करते थे, कैमरे काफ़ी हैं, करीब 100 कैमरे हैं मेरे पास। पोलैंड में जरूर मैं एक हटवाड़े में गया, वहाँ मुझे नाजी सेनाओं में जो टेलीफोन काम में लेते थे नाजी सैनिक जो होते थे, वो 1935-36 उससे 40 के बीच में, तो वो मैं टेलीफोन, करीब 5 किलो का टेलीफोन था, तो उसके चक्कर में मेरे सारे कपड़े जूते वूते सब मैं एयरपोर्ट पे छोड़ के आ गया। हालांकि काफ़ी कोई महंगा नहीं था और वो मेरे काफ़ी वो थे, पर वो चीज़ें तो फिर भी मुझे वापस मैं बना सकता था, ये मैं नहीं ला सकता था, तो इस चक्कर में मैं सारे कपड़े वपड़े सब वहीं छोड़ के, सब चीज़ टेलीफोन सभी चीज़ें, कोई भी चीज़ आप बताइए क्या चीज़। किताबें मेरे पास करीब 1000 किताब होंगी हाथ की लिखी हुई, जो रेयर कलेक्शन है। पंचांग है पुराने, करीब 500 साल 600 साल पुराने पंचांग है।
बग्गियों में जो लैंप लगता था, एच लतीफ बग्गी में जो लगते थे ना, तो वो स्पेशल अपने बग्गी के लिए बनवाया करता था। मुझे भी पता नहीं था, किसी ने आके देखा तो उसने कहा तुम्हें पता है ये क्या चीज़ है? मैंने कहा मुझे तो पता नहीं, मुझे तो खूबसूरत, मेरी आर्ट के हिसाब से ये खूबसूरत चीज़ थी, तो मुझे, मैं इतिहास में बहुत ज़्यादा वो नहीं करता, मैं तो इन चीज़ों का ये देखता हूँ कि उन्होंने समाज को क्या दिया है, इनका क्या योगदान रहा है, तो मैं तो उसकी पूजा करता हूँ, इसलिए मैं लेके आता हूँ। तो उनका ये एच लतीफ़ अकबर के पोते का कि बग्गी का लैंप है। तो मैंने कहा तो कमाल है। मैं खासकर युवा पीढ़ी को, जो अभी की युवा पीढ़ी है, उससे विनम्र अनुरोध करता हूँ। मैं आदेश तो नहीं दे सकता, मैं उनसे केवल आग्रह करता हूँ कि हमारे अतीत को नहीं भूलें, हमारे उस समय को नहीं भूलें, हमारे उन पूर्वजों को नहीं भूलें जिन्होंने इतनी खूबसूरत संस्कृति हमारे लिए बना के छोड़ी है। हमारा काम केवल उसको संरक्षित और ठीक ठाक रखने का है। अगर हम वो भी नहीं कर सकते तो फिर हमारा क्या औचित्य होगा।